हेलो दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंसेस को बनाना पड़ता है जैसे कि वह राजाओं का राजा है, वह सरदारों का सरदार है, वह चोरों का चोर है, या आप कहते हैं वह खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। चलिए हम समझ लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर, और अगर हम बात करें पास्ट की सो वाज वर का उपयोग करते हैं, और उसके बाद हम सिंगुलर नाउन को उपयोग करते हैं और हम ऑफ को उपयोग करते हैं। ऑफ को उपयोग करने के बाद हम लास्ट में प्लुरल नाउन रख देते हैं। जो हमारा सिंगुलर नाउन होता है लास्ट में हम उसी का प्लुरल नाउन रख देते हैं, जैसे किंग, तो किंग का क्या हो जाएगा, किंग्स। इसलिए हम इसे सेंटेंस के माध्यम से और बारीकी से समझ लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए। वह राजाओं का राजा है, जिसे हम कहेंगे ही इज किंग ऑफ किंग्स। अब दूसरा देखते हैं, मैं शिक्षकों का शिक्षक हूँ या मैं उस्तादों का उस्ताद हूँ, आई एम द टीचर ऑफ टीचर्स, आई एम द टीचर ऑफ टीचर्स। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।